हाथरस में हाहाकार। बड़ी खबर यही है इस पूरे मामले में कि एसडीएम ने डीएम को हादसे की रिपोर्ट सौंप दी है। जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी और इसकी जद में 121 लोग जिनकी जान चली गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, हर एक आंकड़े लगातार सवाल उठाते हुए। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि एसडीएम ने इस पूरे मामले में डीएम को सौंप दी है हादसे की रिपोर्ट। ये प्राथमिक रिपोर्ट है। किस तरीके से घटना घटी, कहां पर लापरवाही, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। लोग वहां पर पहुंचे थे, खुशियां कैसे जीवन में आए, कैसे वो खुशहाल जीवन यापन करें, इस वजह से वहां पर बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अगले ही कदम पर उनका मौत से सामना हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बातें कही जा रही है कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे और बाबा के चरण की धूल हासिल करने के लिए जब वहां पर से लोग भागते रहे तो भगदड़ सी मच गई। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दरअसल रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर सौंपी गई। हादसा मामले में जो बड़ी खबर है वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट पूरी सौंप दी है। जिस तरीके से कल देर शाम ये घटना घटी, भगदड़ के दौरान एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। जो बड़ी जानकारी सामने आई, बाबा की सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की है, ये एसडीएम की तरफ से कहा गया। जो रिपोर्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है, उसमें कई ऐसे विषयों का जिक्र है जिसमें कहा गया कि सेवादारों ने भीड़ के साथ बदसलूकी की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और जो एक बड़ी लापरवाही है, कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो उस ओर इशारा कर रही है। एसडीएम की तरफ से डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई और जो बड़ी बातें अभी तक निकल करके सामने आई वो ये कि दरअसल वहां पर लापरवाही हुई थी। भगदड़ के वक्त वहां पर एसडीएम क्योंकि खुद मौके पर मौजूद थे और ऐसे में उनकी आंखों देखी, यानी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के विस्तृत रिपोर्ट दे दी गई है। डीएम को रिपोर्ट सौंप दी गई है जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।